वीडियो फ्रेंड, आज जिस वीडियो में सीखेंगे गोल्डन ब्राउन कलर कैसे बनाया जाता है। जो दरवाजे खिड़की में जो सबसे ज़्यादा चलने वाला पेंट यू पेंट है, हाई क्वालिटी वाला पेंट है ये, जो वुडन का लुक देता है, सबसे प्रीमियम लुक देता है दरवाजे का। और सबसे पहले इसका बेस तैयार करना सीख लें, उसके बाद रेसा बनाना भी सिखा दूंगा कैसे बनाया जाता है। और पूरी एंड तक बने रहना दोस्तों, कोई वीडियो में नहीं बताएगा कैसे गोल्डन ब्राउन तैयार किया जाता है, पूरी जेन्युइन तरीके से सिखा दूंगा आज, तो इस वीडियो में बने रहना। तो चलो सबसे पहले समझना क्या है, ये चीज़ गोल्डन येलो 1 लीटर गोल्डन येलो, और ये 8 लीटर है गोल्डन ब्राउन। ध्यान से देख लेंगे, जी मतलब गोल्डन ब्राउन है, शॉर्टकट फॉर्म लिखा होता है इसका। और इसके बाद ये 8 लीटर हो गया गोल्डन ब्राउन, ये हो गया वाइट पेंट, चिट्टा बोलते हैं इसको, जो वाइट पेंट बोलते हैं। और ये हो गया 1K प्यू टच वुड ग्लॉस। चलो इसको मिक्सिंग करते हैं, कैसे मिक्स करना है बताता हूँ। मिक्सिंग बहुत ज़रूरी है इसका करने का। सबसे पहले तो ये 4 लीटर का पैकिंग खोलेंगे, ये इनेमल पेंट है, एशियन का सबसे बेस्ट मानता हूँ, सलाम करता हूँ एशियन वालों को, तो क्वालिटी रिजल्ट बहुत ही अच्छा देता है। ये देखें फ्रेंड, ये डार्क कलर, इसको लाइट करेंगे। फिर से दूसरा गोल्डन ब्राउन, क्योंकि हमारा काम ज्यादा है फ्रेंड, इसलिए मैंने अपने हिसाब से मंगाया, अपना काम के हिसाब से मंगा सकते हैं। जैसे कि 1 लीटर की पैकिंग लेना चाहते हैं, 1 लीटर का पैकिंग भी मिल जाएगा फ्रेंड। उसके बाद वाइट पेंट डाल रहा हूँ, एशियन सबसे ज़्यादा बेस्ट विश्वास करने वाला प्रोडक्ट, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है इसकी। मेरा वाइट पेंट, ये आ गया 1K प्यू टच वुड ग्लॉस। ये देखे फ्रेंड, इसमें कम से कम 3 लीटर डालना है इसमें। देखिए फ्रेंड, 1 लीटर मैंने बचा लिया हूँ इसमें, और ये तीनों कलर में मिक्सिंग करना बहुत जरूरी है। देख ले, फिर से देख लें, ये जरूरी होता है। और उसके बाद गोल्डन येलो आ गए, ये देखे फ्रेंड गोल्डन येलो, पीला कलर भी बोलते हैं उसको, गोल्डन येलो से नाम से आता है। आधा लीटर डालेंगे इसको, तो उसके बाद पतला करने के लिए तार पिन, पेट्रोल भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये रहा हमारा तार पिन, डब्बा भी फ्रेंड साफ हो जाएगा अच्छी तरीके से, मैं घोल लूंगा। एक लीटर में 200 ग्राम तारपीन पड़ेगा फ्रेंड। चार लीटर में कम से कम डाल सकते हो, आधा लीटर डाल सकते हैं, आधा लीटर तो थोड़ा कम होगा, चल जाएगा अपने। अच्छे तरीके से घोल लेंगे और सभी मटेरियलों को निकाल लेंगे। ये देखिए, क्योंकि हमारा खिड़कियां डोर काफ़ी हैं, इसलिए मैंने गोल्डन ब्राउन एक जैसा कलर रखना है हमेशा, सभी दरवाज़ा खिड़की पर ऐसा बनाना, तो एक जैसा ही कलर रखना, एक बार ही बनाना, ठीक है फ्रेंड, बार बार मत बनाना, कलर में फर्क पड़ जाए। इसको ढक्कन लगा देते हैं, जो काम का नहीं है। अब इसको मिक्स कर लेते हैं, इसी तरीके से इसको मिक्सिंग कर लेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है,
अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट चाहिए इसको मिक्स करने में। थोड़ा सा ढक्कन में कलर बता दूंगा कितना लाइट हुआ है, पता लग जाएगा फ्रेंड इतना लाइट चाहिए पॉलिश करने में। इस पर पॉलिश ब्राउन कलर का इतना ज़्यादा प्रीमियम लुक लगता है, सागवान की तरह ही डोर बन जाएगा फ्रेंड। और इसमें डार्क करना चाहते हो पॉलिश में, वो बाद में सिखाऊंगा पॉलिश में कैसे बनाना है, उसको डार्क करना है, लाइट करना है, कौन सा कलर से बनाना है, तो ध्यान रखना। हमारा पेंटर भाई खिड़की को तैयार कर रहा है, अभी देख सकते हो फ्रेंड अभी तैयारी चल रहा है। काफ़ी खिड़कियाँ हैं, नीचे भी खिड़कियाँ हैं, ऊपर भी खिड़कियाँ हैं, इसलिए मैंने इकट्ठा ही बेस तैयार कर लिया हूँ इसका, ये देख सकते हो। और हमारे पेंटर भाई पूरा तैयारी में है और हम लोग खुद तैयार कर रहे हैं इधर गोल्डन ब्राउन, और बहुत जल्दी रेसा लाने वाला हूँ वीडियो का।